शांति। आज 8 दिसंबर 2021 के बाबा के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासोश्वास बाप को याद करो। तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। प्रश्न है आज की मुरली से, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूबल है, कैसे? उत्तर है, इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, बेकर से प्रिंस, इन सॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर श्वास बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। यह जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है। ये बहुत वैल्यूबल है, ये जीवन भी वैल्यूबल है, ये जन्म भी बहुत वैल्यूबल है। इनका मूल्य कोई कर नहीं सकता। वैसे यह टाइम भी बहुत वैल्यूबल है। बाबा कहे, समय भी बहुत वैल्यूबल है। तुम बच्चे जानते हो क्यों वैल्यूबल है ये समय? तुम बच्चे जानते हो, अब पौड़ी से हीरे जैसा व बेगर से प्रिंस, इन सॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हैं। यह तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूबल है, जबकि बाप के बच्चे बने हो। और मनुष्य का वैल्यूबल नहीं है। दुनिया में जिन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं है, तो वो अपने जन्म को सफल कैसे कर सके? इसलिए बाबा कहे, और मनुष्य का वैल्यूबल नहीं है। तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कैसे सफल करना चाहिए, सो तो बाप समझाते हैं। श्वासो श्वास याद करो बाप को। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के सिमरण करते हैं। वह है अनेकों की व्यभिचारी याद। तुम बच्चे एक के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हो। समझते हो, हमारा श्वास व्यर्थ न जाए। श्वासों श्वास कोशिश कर बाबा को याद करना है। हमें अपने श्वासों को सफल कैसे करना है, तो बाबा कहे, श्वासों श्वास बाप को याद करना है। ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं। ये बाबा की श्रीमत है। इसमें कोई जाप आदि नहीं करना है। हमारा स्वधर्म ही है आवास से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं। आत्मा असुल शांति धाम की रहने वाली है, यह भी हमारे सिवाय कोई कह न सके कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। कोई पूछे, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम कहेंगे, हम आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली है। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो, तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले हैं। कितना सुंदर युक्ति युक्त बाबा ने जवाब देना सिखाया, ताकि धीरे धीरे फिर उसको ज्ञान भी सुना सके। तो इसीलिए जब कोई पूछे कि कहाँ के रहने वाले हो, तो कहो, आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली है, बाकी शरीर फलानी जगह रहने वाला है। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पाठ बजाना ही है।
अभी यह है इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। इसमें श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वो लोग बहुत व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं। तो बाबा कहे वह लोग बहुत फास्ट यानी व्रत रखते हैं, उनको कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो, इससे ऊंचे ते ऊंचे बाप को याद करो। यह भी तुम जैसे जीव घात करते हो, उपवास रखते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। तो बाबा कहे यह भी जैसे जीव घात करते हो। आत्मघात नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का घात कभी नहीं होता। कहा जाता है जीव घाती महापापी। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना यह भी तो महापाप है। तुम कह सकते हो कि इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो। उनको जाकर बताओ कि इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। उन्हों को तो ये पता नहीं है कि बाप यहां आया हुआ है। ये बाप दादा है ना, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, वह तो कह सकते हैं ना कि क्यों ऐसे वैल्यूएबल शरीर का घात करते हो। बाबा कहे शिव बाबा तो कह सकते हैं कि क्यों ऐसे वैल्यूएबल शरीर का घात करते हो, इससे तो मन मना भव बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अथवा कोई द्वारा मैसेज भी भेज सकते हो, दहली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इस समय यह दुनिया बदल रही है। बाबा कहे दहली वाले बच्चे सबको मैसेज भेज सकते हैं कि इस समय दुनिया बदल रही है। इस पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई भी है, इसलिए बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इसमें मेहनत लगती है। मासी का घर नहीं है, जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली, वह भी तुम जानते हो और लिख सकते हो। जीवन मुक्ति एक सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा मिल सकती है। यह मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है। अमर लोक में है जीवन मुक्ति, मृत्यु लोक में है जीवन बंद। यह भागवत में भी गाया हुआ है। यह भी एक कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल न सका। कहा था ना जनक ने, शास्त्र में आता है कि जनक ने कहा कोई मुझे जीवन मुक्ति का ज्ञान एक सेकंड में दे, और कोई भी उसको मिल न सका। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, इसको ही ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने दिया होगा ना। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है, वह ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। स्थापना पालना विनाश, बाबा कहे ये बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। कोई भी अंदर आते हैं तो उनसे पूछो, बोर्ड पढ़ा, क्या लिखा हुआ है। बीके प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। प्रजापिता को सिर्फ कुमारियां ही होंगी क्या, जरूर कुमार भी होंगे। तो हमारी ये फैमिली हो गई। ब्रह्मा बाप है, ब्रह्मा किसका बच्चा, शिव बाबा का। इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। ये फैमिली की फैमिली भी है, पाठशाला की पाठशाला भी है।
सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, वही यह दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर डेविल वर्ल्ड खत्म होगा। राइज और फॉल भारत का होता है। भारत ही हेवन से हेल एकदम ऊंच से नीच बनता है। हेवन माना नई दुनिया। बुद्धिवान जो होंगे वह समझेंगे। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो कि डीटिज्म कैसे स्थापन हो रहा है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, आकर समझो। अभी यह पुरानी दुनिया है, वह बदलकर नई दुनिया बन रही है। इसलिए यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, इनका बहुत महत्व है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो समझना चाहिए यह 84 जन्म लेने वाला सूर्य वंशी में आने वाला नहीं है, पिछाड़ी में आएंगे। जिनकी फुल ज्योति जगती है वह सत्युग में आएंगे। पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। रहना तो नए मकान में चाहिए, 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहे, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए। स्टार्टिंग से आना चाहिए, थोड़े समय बाद भी हम क्यों आए। मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना बने। सर्विस को बढ़ाएं। बच्चों का यह ख्याल चलना चाहिए कि कैसे हम सर्विस को वृद्धि करें। बाप कहते हैं, मैं तुमको आज बहुत गुह्य बातें सुनाता हूं। समय की बहुत गुह्य बातें बाबा सुनाता है। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बनी जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। कई मनुष्य तो अच्छी रीति समझते भी है, कोई तो कुछ नहीं समझते, ऐसे ही देखकर चले जाते हैं। कोई कहकर भी जाते हैं हम जरूर आएंगे, परंतु माया फिर भुला देती है। गए ये सब भूल जाएंगे। माया बिल्ली कम नहीं है, गुल बकावली का एक खेल भी दिखाते हैं। यह भी मिसाल तुम्हारे लिए है। बाप ही समझाते हैं, यहां तुम आए हो माया पर जीत पहन जगत जीत बनने। इस पर कहानी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने लिए। बाबा कहे, तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने लिए, परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। गुल बकावली, अल्लाह अलवदिन, यह इस समय की बातें हैं। अल्लाह ही अवल दिन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हातम ताई का खेल भी इस समय का है। बाप को न याद करने से माया आ जाती है। जो कुछ हो चुका है उनकी बैठ बाद में कहानियां बनाते हैं। जो होने वाला है वह तो कुछ बता नहीं सकते। जो हो चुका है उनकी कहानियां बैठ बना दी। जो होने वाला है वह तो कुछ बता नहीं सकते। पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका ड्रामा बनाते हैं। कंसवध, अमृत मंथन, किसम किसम के खेल बनाते हैं। वह बिचारे यह नहीं जानते कि यह बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि यह ड्रामा कितने वर्ष का है। भल कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, परंतु समझते नहीं है। बाप किसम किसम के राज समझाते हैं कि बुद्धि में यह बैठे कि हमारा यह अंतिम जन्म बड़ा वैल्यूबल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए।
हथकार दे दिल यार दे। दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा ही कहती है मुझे तंग नहीं करो, मेरी दिल को दुखी नहीं करो। बुद्धि समझती है, जज करती है, यह हमको सुख देते हैं, यह दुख देते हैं। बुद्धि तो जज कर सकती है, समझ सकती है कौन सुख देता है कौन दुख देते हैं। आत्मा शरीर के बिना तो कह ना सके, आत्मा ही सब कुछ सीखती है, संस्कार आत्मा में भरते हैं। अभी तुमको परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वो भारत के लिए सौगात ले आते हैं वैकुंठ की। इसीलिए गाया हुआ है सर्व के सदगति दाता। उनका बर्थ प्लेस भारत है, सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही है। शिव बाबा आया था तब तो उनका यादगार मंदिर बनाया है। वह कब आए क्या करके गए यह नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण थे फिर कहाँ गए, वह थोड़ी समझते हैं कि वह इस पतित दुनिया में है। सतो प्रधान थे फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने। नाम रूप तो बदल जाता है ना, हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फीचर्स एक न मिले दूसरे से। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है कि बच्चे अपने बाप को जान लेंगे, मालूम तो पड़ता है ना। बीके वृद्धि को पाते रहेंगे एक दिन यह भी आएगा। बीके वृद्धि को पाते रहेंगे, आशीर्वाद भी मिल गया और साथ में भविष्यवाणी कि एक दिन यह भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे। जो आएंगे लोग फेरा पहनते रहेंगे तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे। दिन प्रतिदिन नाम बाला होता जाता है। बाबा ओपिनियन की भी किताब छपवाते हैं, वह भी काम में आएंगी। बहुतों को भेज देनी पड़ेगी। बच्चे जो सर्विसेबल है उनको सारा दिन ख्यालात रखने पड़ते हैं। वह झट कहेंगे बल बी के आकर मिल सकते हैं। भूख हड़ताल रखते हैं तो 10-12 दिन के बाद कमजोर हो जाते हैं, फिर इतनी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी बात को समझेंगे और कहेंगे कि बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यही ठीक रास्ता है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के गुरु। गुरु तो बहुत हो गए हैं ना, स्त्री का पति भी गुरु है, कथा सुनाने वाले को भी गुरु कहते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए। बाबा कहे माथा विशाल होना चाहिए माना बुद्धि इतनी समझदार होनी चाहिए। इसलिए सर्विस के लिए बाप को याद कर रावण पर विजय पानी है, श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। आदि से लेकर अब तक बाबा ने कितनी बार ये बीच बीच में कह दिया कि बच्चे श्वास व्यर्थ नहीं गवाना है। जो समय बर्बाद करते रहते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। बाप कहेंगे किसका जीवन हीरे जैसा बनाने तुम सर्विस नहीं करते हो, कितना वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी समझते नहीं। इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। इसमें सारे योग की बात है। बाप को याद करो और वर्षा ले लो। यह अर्थ कभी कोई समझ ना सके। यह तो ब्रह्म को याद करते हैं, दुनिया के सन्यासी लोग वह तो ब्रह्म को याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्म कोई पतित पावन है क्या?
पतित पावन तो परम पिता परमात्मा है, ब्रह्म कैसे हो सकता? बिचारे बहुत भूले हुए हैं, रास्ता भूले हुए हैं। बाप बच्चों को फिर भी कहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा को याद करो, बाबा जानते हैं। कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं, भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते हैं। कहीं तो भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते कि हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, शरीर में दो आत्माएं हैं ना, याद करते करते फिर भूल जाता हूं, और ख्यालात आ जाते हैं। इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है। शिव बाबा कितना सुंदर कहते हैं, इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है, बहुत ही ख्यालात आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती याद में रह सकते हो। इसीलिए ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को कहते हैं मेरे से जास्ती तुम याद में रह सकते हो। इनको तो मेहनत करनी पड़ती है, हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं, उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा। बच्चों को पहले तो अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरे का। कई तो ऐसे हैं दूसरे का कल्याण करते रहते हैं, अपना करते नहीं है। औरों को आप समान बनाते, खुद फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ना, यह भी तुम समझते हो, तुम अनुभव भी सुनाते हो, और कोई सत्संग आदि में थोड़ी समझाते हैं। यहां भी नंबरवार धारणा होती है, यह नॉलेज बुद्धि में धारण करने की जाती है, यह नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है। गाते हैं भर दो झोली, यह नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाएगी व झोली में। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता है। तुम्हारा यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसमें पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है, सर्कमस्टेंस देखे जाते हैं। बल कुमार है, देखा जाता है सर्विस अच्छी कर सकते हैं तो छुड़ा भी लेते हैं। हर एक का सर्कमस्टेंस देखकर फिर राय दी जाती है। सर्जन नर्व्स देखने बिना राय दे न सके, यह है अविनाशी सर्जन। आत्मा को मन मना भाव का इंजेक्शन लगाते हैं। इनका यह एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी बना देते हैं। ये एक ही इंजेक्शन है बाबा के पास जो 21 जन्म के लिए हमें एवर हेल्दी बना देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है। यह है बेहद का गृहस्थ व्यवहार। यह शिव बाबा का रथ है ना, तो कितनी आमदनी होती है। बाप कहते हैं मैं इस रथ में बैठ नॉलेज देता, नहीं तो कैसे दूंगा। कृष्ण तो होता ही है सतयुग आदि में, वही आत्मा सांवरी बनी है, तो इनके बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूं, इसीलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है, टाइम मनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न धारण कर दान भी करना है।
आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, प्रालब्ध की इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। प्रालब्ध की इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रालब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता जो पुरुषार्थ की प्रालब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहां इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता यानी सोचने वाले बन जाते हैं। स्वच्छता खत्म होकर सोचता बन जाते हैं। जो यहाँ ही प्रालब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वह अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। आज का स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.